दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडक्शन फर्नेस और मैग्नेट पैनल का फॉल्ट के बारे में बताऊंगा। जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो जो फॉल्ट के बारे में मैं बता रहा हूं सेम टू सेम आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी जो आपका मैग्नेट पैनल है ये हम लोगों को किस में रहता है, इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में। अभी किस तरह से इसका कंट्रोल कनेक्शन रहता है, किस तरह से इसका पावर का कनेक्शन होता है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 5 वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाया हूं। और इंडक्शन फर्नेस में जो 8 लीकेज होता है इसके ऊपर भी देखिएगा 8 पार्ट बनाकर समझाया हूं। किस लिए के आपके अंदर में जितना सारा डाउट है सारा डाउट क्लियर हो जाए कि किस लिए होता है, किस कारण से होता है, किसका काम क्या है। अभी जब आप अभी के डेट में जो नया नया इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन आ रहा है तो इसमें देखिएगा एक मैग्नेट पैनल लगा हुआ है, ठीक है। और मैग्नेट पैनल के लिए आपका बैटरी लगा हुआ रहता है कि जब आपका पावर चला जाएगा तो उस टाइम आपका बैटरी से मैग्नेट पकड़ा हुआ रहेगा। मतलब मैग्नेट में जो आपका स्क्रैप या स्पॉन्ज पकड़ा हुआ है इसको पकड़ के रखेगा, किसी के ऊपर गिरेगा नहीं। इसके लिए बैटरी से हम लोग को 230 वोल्ट डीसी सप्लाई मिलता है मैग्नेट को, ठीक है। अभी जो आपका पावर और कंट्रोल वायरिंग है इसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब में, आप लिंक के एक बार सर्च कर दीजिएगा मैग्नेट पैनल कंट्रोल वायरिंग या मैग्नेट पैनल का पावर वायरिंग, एक नंबर में ही मेरा वीडियो आ जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा तो और कुछ डाउट नहीं रहेगा। अभी मैग्नेट पैनल से जो आपका 230 वोल्ट डीसी बन रहा है तो पहले क्या होता है, मैग्नेट पैनल से हमारा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव निकल के आता है। किसके थ्रू आता है देखिएगा, मैग्नेट पैनल से केबल निकला, निकलते हुए आपका पहले केबल ट्रॉली में आएगा। केबल ट्रॉली में आने के बाद जिसको हम लोग क्रॉस ट्रेवल बोलते हैं, मतलब सिटी के पास आएगा। सिटी के ऊपर आने के बाद इस जगह में आपका क्या रहेगा, एक आपका मैग्नेट ड्रम लगा रहेगा और मैग्नेट ड्रम के पास आपको देखने के लिए मिलेगा एक 3 पोल का स्लिप रिंग या 2 पोल का स्लिप रिंग। इसके साथ आपको मिल जाएगा 2 कार्बन होल्डर और 2 रहेगा कार्बन ब्रश। अभी इस जगह में आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार आपका स्लिप रिंग स्पार्किंग हो जा रहा है, कार्बन ब्रश जो है ये बार बार आपका खराब हो जा रहा है। लेकिन आप जब काम करने जा रहे हैं फिर अच्छा से साफ सफाई करके उसको ठीक करके आ रहे हैं, 2 दिन 4 दिन या 10 दिन जब हो रहा है तो फिर दोबारा आपका क्या हो रहा है कि खराब हो जा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा इसको अच्छा से आपको सुनना है, उसके बाद काम करना है, ठीक है। तो इस जगह में जब आप काम कीजिएगा तो देखिएगा जो आपका मैग्नेट ड्रम है इसमें आपका कौन सा बोल्ट लगा हुआ है, मतलब जो आपका कार्बन होल्डर है, कार्बन होल्डर आपका किसके साथ फिटिंग है। इस जगह में आपका क्या है कि एमएस का नट बोल्ट है या आपका एसएस का है या आपका कॉपर का है या आपका ब्रास का है, इस चीज को आपको बहुत अच्छा से देखना है तभी आपको समझ में आएगा। अभी के डेट में जो भी नया क्रेन आ रहा है इसमें देखिएगा एमएस का स्टेट बोल्ट लगा हुआ है और एमएस का अगर लगा हुआ है तो एकदम कॉन्फर्म है कि ये गर्म होगा और लाल होगा। और जब आपका स्टेट बोल्ट लाल होने लगेगा तो आपका कार्बन होल्डर और कार्बन ब्रश को भी गर्म करेगा। एक दिन में गर्म नहीं होगा, इसको गर्म होने में आपको 30 दिन या 15 दिन या 10 दिन इतना टाइम लग जाएगा। अब धीरे धीरे तो गर्म होगा, एक दिन में क्या होगा जो आपका स्लिप रिंग लगा हुआ है इसमें आपका स्पार्किंग हो जाएगा, फिर आप जाके जब काम करिएगा तो देखिएगा स्पार्किंग हो गया। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, जो आपका मैग्नेट ड्रम में टायरोड लगा हुआ जिसको हम लोग स्टेट बोल्ट बोलते हैं, और इस जगह में आपको क्या करना है, एमएस वाला जो आपका स्टेट बोल्ट लगा हुआ है इसको खोल के फेंक देना है, ठीक है। इसके जगह में आपको क्या करना है, एसएस का नट बोल्ट लगाना है। अभी एसएस का नट बोल्ट या टायरोड कोई लेद मशीन से बना के भी लगा सकते हैं और ऐसे रेडीमेड अगर खरीदना चाहिएगा वो भी मिलता है। अगर आप मान लीजिएगा लेद मशीन में बना के लगाना है तो उस टाइम आपको एगो काम करना पड़ेगा, कौन सा काम, जैसे हमारा ये एसएस का हम टायरोड बनाए
तो इसमें हम लोग कितना थ्रेड बनाते हैं, 25 एमएम का एक तरफ का थ्रेड बनाते हैं, ठीक है। और ये मोटा मोटी देखिएगा 15 एमएम का जो है थायराइड मोटा रहता है, तो इसके ऊपर में आपको पहले एक माइका ट्यूब डालना है, उसके बाद आपको ग्लास टेप से इंसुलेशन करना है, उसके बाद आपको वार्निश दे देना है एसएस थायराइड के ऊपर। उसके बाद ये जो कार्बन ब्रश था, कार्बन होल्डर था मैग्नेट ड्राम के पास, इसमें आपको फिटिंग करना है। जब आपका वार्निश वगैरह सूख जाएगा और सूखने के बाद जब आप लगा दीजिएगा तो इस टाइप का आपका फॉल देखने के लिए और दोबारा नहीं मिलेगा। और आप लोग तो हमेशा एक चीज जानते हैं कि जो काम मैं प्रैक्टिकल में करता हूं वही मैं आप लोगों को बताता हूं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अभी इंडक्शन फर्निस का बात करूं तो देखिएगा हर जगह आपका योग से लेके आपका कॉइल में, जैसे योग में हमेशा नट बोल्ट देखिएगा एसएस का ही आपका लगा हुआ रहता है, और इस जगह में जो आपका कॉइल के साथ बोल लगा हुआ रहता है जिसको हम लोग स्ट्रेट बोल बोलते हैं, वो भी एक कॉपर का रहेगा, नहीं तो आपका ब्रश का रहेगा। तो इस जगह पे भी दोस्तों आप एसएस का भी लगा सकते हैं, कॉपर का भी लगा सकते हैं, ब्रश का भी लगा सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल होगा वही आपको मैग्नेट में लगाना है, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अभी इसलिए लगाया जाता है कि जो आपका इंडक्शन फर्निस में इंडक्शन बनता है, मतलब जो आपका नट बोल्ट है जब आपका लाल होता है उसी को देख के हम लोग बोलते हैं कि इंडक्शन बन रहा है। अभी उस नट बोल्ट को खोल के एमएस वाला खोल दिए फिर एसएस वाला लगा दीजिएगा तो देखिएगा इंडक्शन बन नहीं रहा, लेकिन जब लगाइएगा तो बहुत अच्छा से टाइट करना है। अभी और एक एग्जांपल है कि ये जो हमारा एंटीना है, एंटीना हम लोग हमेशा एसएस का ही रॉड से बनाते हैं, किस लिए कि जो ये फर्निस से हमारा लीकेज करंट बनेगा, लीकेज करंट के चलते हमारा लाल होना नहीं चाहिए। तो एसएस में क्या होता है, इंडक्शन बनता नहीं है, ठीक है। अगर हल्का फुल्का बन भी जाएगा तो उसके चलते वो गर्म नहीं होता है। और इस जगह में अगर आपका एमएस का जो नट बोल्ट आपका लगा हुआ था, इसका हम लोग स्ट्रेट बोल्ट बोल रहे हैं, तो लीकेज करंट के चलते क्या हो रहा था कि आपका थोड़ा सा गर्म हो रहा था। अब थोड़ा थोड़ा गर्म होते होते जब आपका 30 दिन 15 दिन या 10 दिन हो रहा था तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा था, खराब हो जा रहा था। जब आप इस जगह में एसएस का लगा दिए हैं तो दोबारा आपका क्या होगा, और खराब होने का चांस नहीं है और कभी भी खराब होगा भी नहीं। सेम टू सेम इस जगह में जो इंडक्शन फर्निस में एंटीना यूज किया जाता है एकदम सेम फंडा है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। इस जगह में अगर एसएस का यूज हो रहा है, एमएस का आप यूज नहीं कर सकते हैं, एमएस का अगर एंटीना में यूज कर दीजिएगा तो उसमें इंडक्शन बन के लाल होके कट जाएगा, इसीलिए हम लोग एसएस का ही यूज करते हैं। और भट्टी में अभी तक जितना सारा कोई भी एसएफसी पैनल का फर्निस में काम कीजिएगा, अभी का डेट में देखिएगा, चाहे एसएफसी का पैनल हो, कैपेसिटर बैंड हो और आपका फर्निस हो, सब में आपका एसएस का ही नट बोल्ट देके आ रहा है। पहले क्या होता था, कोई जगह में ब्रश का नट बोल्ट रहता था, कोई जगह में कॉपर का रहता था, कोई कोई जगह में एमएस का भी रहता था। अभी एमएस वाला नट बोल्ट बिल्कुल हटा दिया है इंडक्शन बनने के चलते, इसीलिए सब जगह एसएस का, कॉपर का या ब्रश का ही लगा के देता है। तो ये जो मैं मैग्नेट पैनल का फॉल के बारे में आप लोगों को बताया हूं, अभी के डेट में जो जो नया क्रेन आ रहा है तो बहुत सा फ्रेंड को ये चीज देखने के लिए मिल गया है। अभी बहुत सा फ्रेंड है इसको देखने के लिए मिला नहीं है, इसीलिए जो मैं वीडियो है पहले ही बना के आप लोगों को समझा दे रहा। जब इस टाइप का फॉल आएगा तो तुरंत क्या करना है, एमएस वाला खोल के एसएस वाला लगा देना है, तब आपका प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगा, कार्बन होल्डर भी खराब नहीं होगा, कार्बन ब्रश भी खराब नहीं होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।